सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का अपना वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ द वीडियो जो है अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, और इस टॉपिक के ऊपर यह तीसरा वीडियो है। मैंने दो वीडियो पहले अपलोड कर चुका, पहले एक इंट्रो वीडियो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो माइंस में प्रयोग होते उसके बारे में, और उसके बाद दूसरा मैंने एक वीडियो अपलोड डाला है वो आपके जो है आर्क थ्योरी है, और तीसरा वीडियो जो है ये, इसमें मैं आपको साथ में ब्रू बोल्टिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो है रूफ वोल्टिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हुए साथ उसके टाइप्स को भी डिस्कस करूंगा कि उसके कितने टाइप्स से, मतलब कितने टाइप्स हमारे खान प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रूफ वोल्टिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके साइज ऑफ द रूफ बोल्ट है जो हम लोग खान में प्रयोग करते हैं उसका साइज के साथ में जो प्रोविजन्स हैं उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट MCQ जो बनते हैं इसके साथ में वो सारे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आप लोग साथ में, प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक करें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और आपको कुछ कमी लगती है तो डिसलाइक करें या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या कमी है, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ की जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूफ बोल्टिंग होता क्या है। तो रूफ बोल्ट इज़ अ टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट विच इज़ फिक्स्ड इन अ होल बाय द ड्रिलिंग वर्टिकल इन द रूफ एंड इट ग्रिप द स्ट्रेटा एंड द सपोर्ट द इमीडिएट रूफ एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रूफ बोल्टिंग। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि रूफ बोल्ट इज अ टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट, ये जो हमारा होता है ये किस टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट था। जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेंशनल, दूसरा होता है स्टील सपोर्ट। ठीक है, एज अ एज के हिसाब से। और ये हम लोग क्या करते हैं कि अपने रूफ में हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पे हम लोग सपोर्ट लगाना तो वहाँ पे एक ड्रिलिंग करके होल बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं रूफ बोल्ट को क्या करते हैं सीमेंट वो या फिर रेजिन वगैरह से क्या करते हैं टाइट करते हैं, जाम कर देते हैं। ठीक है, और जाम करने के बाद क्या होता है कि वो क्या करता है ग्रिप एक दूसरे को, जितने भी स्ट्रेटा जो लेयर्स में होते हैं उनको क्या करता है वो बांध करके रखता है ना। और वो किसको सपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम जो हम लोग को सपोर्ट करता है वो किसको करता है, वो करता है इमीडिएट रूफ को करता है, जो हम लोग जानते हैं कि इमीडिएट रूफ किसको बोलते हैं, ये मैंने भी आपको पहले पार्ट में बताया है ना। अगर जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ बोल्ट और इमीडिएट रूफ और इमीडिएट फ्लोर किसे कहते हैं वो सारी चीज़ मैंने उसमें शेयर किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोला जाता है कि रूफ बोल्ट इसे एक प्रकार का स्टील सपोर्ट है जो लंबे बोल्ट के आकार का होता है जिसे हम चाल में होल करके उसमें जाम कर देते हैं। ठीक है, इसको जाम करते हैं और उसके नीचे लोहे का प्लेट लगा करके, जिसे हम लोग लोहे का प्लेट लगाकर नट से कस देते हैं। ठीक है, नट से कस देते हैं उसको, उस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो नीचे हम लोग प्लेट लगाते हैं रूफ बोल्ट के नीचे में यहाँ पर जो लगता है उसे हम लोग क्या करते हैं बियरिंग प्लेट कहते हैं। ठीक है, और इसे लगाने की प्रक्रिया को हम लोग रूफ बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस जो प्रक्रिया है टोटल होल प्रोसेस लगाने को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रूफ बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ जो रूफ बोल्ट जो होते हैं हमारे खानों में जो प्रयोग होते हैं तो उनके कुछ टाइप्स आपके साथ में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ फिगर में भी, और ये है तो पहला जो है स्लोट एंड वेज बोल्ट। ठीक है, तो ये फिगर में आप देख सकते हो स्लोप एंड वेज बोल्ट, उसका फिगर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंशन सेल बोल्ट। ठीक है, उसके बाद है सीमेंट ग्राउंड बोल्ट, उसके बाद होता है रेजिन ग्राउंड बोल्ट होता है। ठीक है, दो तरह का बोल्ट होता है, सीमेंट ग्राउंड बोल्ट आपका साधारण चाल में लगाया जाता है, और रेजिन ग्राउंड बोल्ट जो होता है वो आपका जहाँ पे वाटरी स्ट्रेटा होता है या फिर चाल जो बहुत ही ख़राब होता है वहाँ लगाया जाता है। उसके बाद रिकवरेबल एक बोल्ट होता है जो कि हम लोग उसको दोबारा निकाल कर लगाया जा सकता है कहीं और पे भी। ठीक है, अगला जो है परफो टाइप बोल्ट होता है, और एक और होता है स्प्लिट सेट बोल्ट। ठीक है, आगे जो है हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रूफ बोल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि द रूफ बोल्ट वर्क ऑन द थ्री प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है कि रूफ बोल्ट जो हमारा वो है थ्री थ्योरीज पे काम करता है। इट्स कैन बी सेड दैट द बोल्ट सपोर्ट्स और रूफ बाय द थ्री वेज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बोल्ट्स है रूफ बोल्ट जो है वो क्या करता है छत को तीन तरीके से क्या करता है सपोर्ट करता है वो। ठीक है, या थ्री थ्योरीज बोल सकते हैं या थ्री वेज से वो काम करता है। ठीक है, पहला जिसमें है सस्पेंशन थ्योरी। ठीक है, दूसरा जो है आपका बीम थ्योरी, और तीसरा जो है आपका की स्टोन थ्योरी, या फिर इसको हम लोग कीइंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये तीन जो आपका थ्योरीज है जिसके ऊपर जो हमारे जो रूफ बोल्ट कार्य करता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में आगे देखते हैं कि ये होता कैसे है और काम कैसे करता है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सस्पेंशन थ्योरी, ठीक है, द इमीडिएट लेयर ऑफ द रूफ विच इज अप्रोक्स 0.6 मीटर, ठीक है, इमीडिएट रूफ रूफ के बारे में बात कर रहा है कि जो इमीडिएट लेयर्स ऑफ द रूफ विच इज अप्रोक्स 0.6 मीटर आर हेल्ड बाई द सस्पेंशन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर बेड एवप, ठीक है, मतलब इसका क्या बोला कि चाल के गिरने वाले भाग को जो ऊपर के मजबूत स्तर से टांग कर उसको झुकने से कम कर देते, जिसे चाल झुकती है गिरती नहीं, इसे सस्पेंशन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप फिगर में क्या है कि जो नीचे का जो पतला वाला स्टेटा है, जो आपका लेयर बेड्स है, उसको क्या ऊपर वाले जो मजबूत वाले जो चाल है उसके साथ में इसको क्या करते हैं हम लोग टाइट कर देते हैं रूफ बोल्ट की मदद से। ठीक है, और इससे क्या करता है उसको सस्पेंशन, मतलब इसको सस्पेंड टांग करके रखता है मजबूत चाल से, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन थ्योरी करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि पहले जो इमीडिएट रूफ जो होता है आपका, आपके क्या होता है ऊपर जो 6 मीटर होता है छत का ऊपर, ठीक है, बट जो इसके लिए जो है जो सबसे कमज़ोर जो इमीडिएट रूफ होता है हमारे खानों में वो 0.6 मीटर माना जाता है कि ये इतना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टांगना बहुत मतलब सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुरंत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले थ्योरी को। अगला जो थ्योरी है हमारा वो है आपका बीम थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोल्ट्स क्लैंप सेवरल थिन लेयर्स ऑफ द रूफ रॉक्स into a thick beam and which is stronger than the individual layers. If beam is 5 times thicker, the strength of the increases by the 5 square or the 25 times. ठीक है, मतलब इसमें बोला क्या है कि चाल में कमज़ोर परतें जो होती हैं हमारे, ये जो पतला पतला जो कमज़ोर परतें होती हैं वो क्या होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम रूफ से बोल्ट कर उसको क्या करते हैं बोल्टिंग करके हम लोग क्या करते हैं एक मोटे मतलब कि पतला पतला जो बीम एक फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसको हम लोग छोटा सा पतला बीम मान सकते हैं इसको, तो ए वाले को छोटा पतला बीम इसको टाइट करके हम लोग एक मोटे बीम का फॉर्मेशन कर देते हैं रूफ बोल्ट की मदद से। ठीक है, और इसी बीम ये बीम क्या करता है जब मोटा हो जाता है तो ये क्या होता है स्ट्रॉन्गर हो जाता है पतले बीम के अपेक्षा में। ठीक है, तो इसी के कारण से क्या होता है इसका जो स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इंक्रीज़ कर जाता है और ये हमारा जो है रूफ को अच्छे से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं हम। चाल में कई कमज़ोर परतें होती हैं जिसे रूफ बोल्ट के सहारे से एक साथ बांधकर मोटी मजबूत परत बना देती है और गैलरी में चाल की परत एक बीम की तरह होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है ये जो पतले पतले जो चालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं मोटे बीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बांध करके रूफ बोल्ट की मदद से। यदि इन परतों को मिलाकर मोटाई गुना को 5 गुना कर दिया जाए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब है क्या कि अगर इसकी मोटाई जो पतले पतले इसकी मोटाई को हम लोग क्या किए 5 गुना कर दिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ले लिए 5 गुना कर दिए तो इसका जो मजबूती जो होता है कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब जितना भी ज़्यादा मोटा करेंगे उतना स्क्वायर टाइम्स क्या होता है ये इसका मजबूती बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बीम इफेक्ट कहते हैं या फिर बीम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो थ्योरी है हमारा वो है की स्टोन थ्योरी और द किंग इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, तो समटाइम्स इन द फ्रैक्चर और जॉइंट ब्लॉक्स इन द रूफ आर पीस ऑफ द स्टोन इज द लोकेटेड दैट इफ इट इज विड्रॉ अदर स्टोन विल बी फॉल। मतलब कि बोलना क्या चाह रहा है कि अगर हम लोग रूफ में जानते हैं कहीं भी आप देखे होंगे कि अगर उसमें से अगर कोई रूफ में कोई स्टोन ऐसा होता है कि उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो चाल होता है धीरे धीरे करके क्या होता है गिरना शुरू हो जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग वो बोल्ट क्या करता है उस जो की स्टोन इसको जो नाम दिया गया है उसी की स्टोन को क्या करता है रूफ बोल्ट से हम लोग क्या करते हैं अदर स्टोन के साथ में क्या करते हैं उसको सेटल या फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसको गिरने से रोक देते हैं जिसके कारण से क्या होता है वो मजबूत चाल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं की स्टोन थ्योरी या फिर किंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे चाल में जैसे हिंदी में देख लेते हैं इसको चाल में खड़े या आड़े फाट तो है तो उसमें रूफ बोल्ट कमज़ोर सतहों को आपस में बांध देता है। ठीक है, जो पत्थर जो कमज़ोर वाला है उसको क्या करता है वो बांधता है जिससे पत्थरों का फाट की जगह से फिसलना रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फाट है जैसे यहाँ क्रैक्स आप देख रहे हो इससे क्या अगर कमज़ोर चाल है तो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करता है वो उसको गिरने से रोक देता है हमारा जो होता है रूफ बोल्ट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं की स्टोन थ्योरी या फिर किंग थ्योरी कहते हैं या फिर किंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों जो थ्योरीज है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स के लिए भी और जिन जो भी तैयारी कर रहे हैं CIL के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं साइज ऑफ द रूफ बोल्ट एंड इट्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, साइज ऑफ द रूफ बोल्ट उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसका साइज लेंथ और जो विड्थ मतलब कि इसको डाया होता वो और कंपोनेंट जो होता है उसका भी हम लोग डायमेंशंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ जो है हम लोग लेंथ ऑफ द रूफ बोल्ट देखेंगे। रूफ का जो लेंथ होता है वो क्या होता है आपका
वन थर्ड ऑफ द विड्थ ऑफ द गैलरी, ठीक है, मतलब रूफ का जो रूफ बोर्ड का जो लंबाई होना चाहिए हमारे लिए वो क्या होता है वन थर्ड, मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका गैलरी है और इसकी लंबाई जो भी है 4.8 है, ठीक है, सॉरी 4.8 है इसका विड्थ गैलरी का जो चौड़ाई है, तो उसका क्या करते हैं उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जो लेंथ निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे अपने उसका जो रूफ का बोल्ट का जो हम लोग चाल में लगाना उसकी लंबाई को मतलब कि वो जो रूफ बोल्ट होगा उसकी लंबाई उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे हम लोग जो आ रहा है वो आ रहा है 1.6 अप्रोक्स, ठीक है, तो ये आपको इतना रूफ बोल्ट का लंबाई होना चाहिए, या फिर अगर गैलरी जो रूफ बोल्ट का इसे कैलकुलेशन का आपका जो है वो अगर 1.5 मीटर से कम होता है तो हम लोग क्या करेंगे 1.5 मीटर से कम कभी भी रूफ बोल्ट को नहीं लेंगे, यानी कहना क्या चाह रहा है कि रूफ बोल्ट की लंबाई जो होगा 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द गैलरी होगी या फिर 1.5 मीटर, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को हमको लेना होगा, ठीक है, ये होता आपका रूफ बोल्ट की लंबाई, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं मैंने लिखा वो होता डाया, डाया जो होता है रूफ बोल्ट का आपका जो होता है वो आपका 20 mm से 22 mm होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 20 mm से 22 mm होता है डाया ऑफ द रूफ बोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बेयरिंग प्लेट देखते हैं, तो यहाँ पे जो आप चीज़ देख रही है वाला ये जो आप स्क्वायर है और इसके बीच में जो होल होता है यहाँ पे जो लगाया जाता है साथ में वो उसका जो डायमेंशन जो होता है वो होता है आपका क्या 150 mm × 150 mm एंड इसके जो मोटाई हो जो होती है बेयरिंग प्लेट की जो होती है क्या होते हैं 8 mm होता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है डोम स्ट्रक्चर का होता है, तो ध्यान में रखें, ठीक है। कहीं कहीं पहले जो दिया होता था कि उसका जो मोटाई जो है वो 6 mm होता है, पर वो नहीं लेंगे, हमेशा याद रखेंगे जो होगा मोटाई अब 8 mm ही लिया जाता है मैक्सिमम। तो आपका जो डायमेंशन जो होगा आपका रूफ बोल्ट का वो हो जाएगा 150 mm × 150 mm एंड 8 mm इसका क्या होगा मोटाई होगा। उसके बाद हम लोग उसके नट के बारे में, जो नट जो नीचे लगाते हैं जो टाइट करेगा आपका बेयरिंग प्लेट का उसका जो शेप जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो आपका हेक्सागोनल साइज का होता है, फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में उसका जो हाइट जो होगा वो हो गया कि आपका 30 mm होगा उसका हाइट, ठीक है, उसकी लंबाई जो होगी आपका रूफ बोल्ट के जो नट का जो होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आप, तो आगे मैं हर वीडियोस की जरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लाया हूँ, तो चलिए उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रूफ बोल्ट इफ द विड्थ ऑफ द गैल इज 4.2 मीटर। क्या बोला जा रहा है कि अगर विड्थ ऑफ द गैल अगर 4.2 मीटर है तो आपका रूफ बोल्ट का जो लेंथ कितना होगा कम से कम, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो हम जानते हैं कि हमारे पास दो कंडीशन, पहला कि विड्थ के गैलरी का 1/3 होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका कि 1.5 मीटर से कम नहीं होता। तो विड्थ हमारे पास क्या 4.2 मीटर, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो 3 × 1 दैट इज़ 1.4 आ रहा, दैट इज़ 1.4 और 1.5, तो 1.5 ज़्यादा है तो हमारा जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो 1.5 ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द बियरिंग प्लेट। तो बियरिंग प्लेट का जो साइज होता है वो क्या होता है, तो ऊपर मैंने जैसे अब आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो आपका जो सही उत्तर क्या है इसमें, तो हाँ आप सही है, आपका सही उत्तर जो है 150 mm × 150 mm × 8 mm, तो ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रूफ बोल्ट फ्रॉम द फेस, मतलब कि फेस जो होता है आपका वर्किंग फेस जो होता है उससे आपका रूफ बोल्ट का जो है मैक्सिमम लेंथ डिस्टेंस कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1.8 मीटर, ठीक है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है, वाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा रूफ बोल्ट्स एट द जंक्शन, मतलब जंक्शन पे जो होता है, जानते हैं जहाँ पे दो गैलरीज का इंटरसेक्शन जब बनता है तो उसको जंक्शन कहा जाता है, ठीक है, तो उस जंक्शन पे जो है रूफ बोल्ट की संख्या कितनी अधिक होती है, कितनी प्रतिशत अधिक होती है। तो आपका जो सही उत्तर है तो वो है आपका 25%, यानी कि सही उत्तर जो हो जाए क्या बी 25, ठीक है। तो चलते हैं जो अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूफ बोल्ट्स आर सिलेक्टेड फॉर द एंकरेज टेस्टिंग, यानी कि रूफ बोल्ट जो हम लोग लगाते हैं तो उसका जो एक टेस्टिंग किया जाता है कि हमारा रूफ बोल्ट जो है सही लगा है कि नहीं, तो ठीक है, तो उसका जो है कितना प्रतिशत हम लोग उसको जाँच करते हैं, तो जाँच जो होता है आपका उसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी 10%, ठीक है। तो
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूफ बोल्ट आर सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि रूफ बोल्ट का टेस्टिंग होता है तो उसमें से कुछ बोल्ट्स का जो हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं कि पूरी तरह से उसको तोड़ करके मतलब निकाल करके देखा जाता है कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम वो लोड ले सकता है, तो कितना प्रतिशत टोटल बोल्ट्स का कितना प्रतिशत हम लोग चेक करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका सही उत्तर जो है वो है 1%। ठीक है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट लोड शुड टेक अ रूफ बोल्ट इन द 2 आवर। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 आवर्स में जो है आपका एक रूफ बोल्ट कितना लोड लेता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।